हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्लांट डिफरेंट प्लांट्स कैटेगरी, जिसमें हमने ट्रीज, हर्ब, श्रब्स के बारे में देखा था। देन हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्टेम को डिस्कस किया था, लीफ, उसमें टाइप ऑफ लीफ हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम उसमें देख रहे थे वेनेशन की लीव में कौन कौन से तरह के वेनेशन होते हैं। तो मेनली मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो तरह के वेनेशन होते हैं, एक होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। ये जो दिख रहा है ये आपको रेटिकुलेट वेनेशन है और इसमें जो है ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। वी विल रिक्वायर अ हब, टू ट्रांसपेरेंट पोलिथीन बैग एंड द थ्रेड। हमको क्या चाहिए, हमें एक छोटा प्लांट चाहिए, हब चाहिए और दो पॉलीथीन बैग और एक धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। ये एक्टिविटी हमें डे टाइम करनी है, ऑन अ सनी डे, जब सूरज निकला हुआ हो। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। कौन से प्लांट का यूज़ करना है, हेल्दी वेल वाटर्ड, जिसमें पानी अच्छे से दिया हुआ हो और जो सन में ग्रो कर रहा हो। एनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ विथ शोन इन फिगर 7.11। ये देखिए, इस तरह से पॉलीथीन को इसको टाई कर देना है, है ना, मतलब पॉलीथीन बांध के इसके ऊपर की, जिसमें दो तीन चार लीव्स उसमें आ जाए, ब्रांच, एक ब्रांच को, और इसको पॉलीथीन से करके इस तरह से टाई कर देना है, बांध देना है आपको, ठीक है। टाई अप द माउथ ऑफ अनादर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। अब दूसरी पॉलीथीन को भी खाली इस तरह से बांध देनी है और दोनों को किस में रख देना है, सन में रख देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। कुछ घंटे बाद आपको इनर सरफेस जो है वो ऑब्जर्व करनी है। व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई देगा आपको, पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, और देयर आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या आपको पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। हाउ डू यू थिंक दे नॉट देयर, है ना, किस तरह से आ गई, दे गॉट देयर किस तरह आई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव पॉलीथीन बैग आफ्टर एक्टिविटी, बट ये भी ध्यान रखना है इस एक्टिविटी के बाद आपको पॉलीथीन बैग वहाँ से हटा देना है। वाटर कम्स आउट द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेट पर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये जो लीव्स पे वाटर आया है वो कहाँ से आया है, पॉलीथीन पे जो वाटर आया है वो लीव्स से आया है, और कौन सी प्रोसेस से आया है, ट्रांसपीरेशन से। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना, जो लीव्स से वाटर का लॉस होता है किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। और इसी ट्रांसपीरेशन के कारण ये लीव्स पे वाटर, लीव्स ने वाटर लॉस किया जो पॉलीथीन बैग के कारण वहीं हमें दिखाई दे गया। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं इस प्रोसेस से। वी विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 14, और इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। व्हाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, क्यों बांधा था। वुड वी हैव सीन द वाटर इन एवोपरेट इफ वी हैड नॉट टाई अ पॉलीथीन कवर। हमने इसलिए बांधा था ताकि हम वो देख पाएं, क्योंकि बिना कवर करे हम वो नहीं देख सकते कि लीव्स ने वाटर लॉस किया था। वॉट मेक्स द वाटर अपियर ऑन द पॉलीथीन बैग। अब क्या कर रहा था वाटर को पॉलीथीन बैग में, किस कारण से, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, है ना। तो जो वेपर फॉर्म में था, कंडेंस होके वो किस फॉर्म में आ गया, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में आ गया, और वो हमें दिखाई देने लगा। इन चैप्टर 5 वी नोटिस डैट वाटर चेंजिंग इंटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ अवर एक्टिविटीज़, है ना। कैन यू थिंक ऑफ दीज नेम एंड प्रोसेस डैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू दिखाई दिया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कि वाटर ड्रॉप्स का कूल डाउन होना, टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो वेपर फॉर्म में थी और जैसे ही वो कूल डाउन हुई तो वो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन, एंड इट अगेन कन्वर्ट इन टू द वाटर ड्रॉप्स, है ना। लीव्स ऑल्सो हैव अनादर फंक्शन, लेट अस स्टडी। इसके अलावा भी लीव्स के कुछ फंक्शन होते हैं, वो हम देखते हैं कौन से फंक्शन है, ठीक है। पहला फंक्शन हमने देखा लॉस ऑफ वाटर। अब देखिए, मैं इसका थोड़ा बता देती हूँ, इस फंक्शन का यूज़ क्या है, ट्रांसपीरेशन का यूज़ क्या होता है। देखो, ट्रांसपीरेशन जो है मेनली
प्लांट के टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, जैसे गर्मी में लीव्स जो है, या नॉर्मल में भी, बट मेनली गर्मी में ये जो लीव्स हैं ये वाटर लॉस करके क्या करती हैं, अपने टेम्परेचर अपने सराउंडिंग में कूल डाउन इफेक्ट क्रिएट कर लेती हैं। आसपास अब वाटर वाटर हो जाता है, इवोपरेशन के कारण है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उनके आसपास, तो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। और इस तरह से प्लांट के नीचे आपने देखा होगा गर्मी में जब हम बैठते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा और ठंडा फील होता है ना, तो वो इसीलिए, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। दूसरा, यही ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है ये वेपर फॉर्म में जाके क्लाउड फॉर्मेशन करता है और रेनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मेन जो थे वो ट्रांसपिरेशन के फंक्शन थे। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, हमें एक लीफ चाहिए, स्प्रिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए एंड आयोडीन सॉल्यूशन। अब देखिए ये सब मैं बताती हूँ। पत्ती को तो आप जानते हो, ठीक है, स्प्रिट मतलब ये जो इसके अंदर हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो स्प्रिट में हम क्या करते हैं ये रखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बीकर, बीकर ये जो दिखाई दे रहा है ये बीकर है बड़ा सा, ये जो दिखाई दे रहा है ना ये बीकर है। बर्नर जिस पे हम किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए रखते हैं। वाटर, वाटर तो ये है ही। फिर वॉच ग्लास, वॉच ग्लास ये इस तरह से छोटी सी ऐसी कांच की प्लेट जैसी होती है। आयोडीन सॉल्यूशन ये रहा, और टेस्ट ट्यूब ये रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पिरिट जो है ये बर्नर में भरा जाता है, क्यों, जलाने के लिए, ठीक है। और ये वाटर है, ठीक। अब हम देख रहे हैं, टेक अ लीफ इन टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। हमको क्या करना है, एक लीफ लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसको पूरी तरह स्प्रिट में डुबो देना है, ठीक है। हम ये जब इसको बर्न करेंगे ना तो उसके पहले हमने इमर्स कर ली लीफ को कम्प्लीटली, ठीक। उसके बाद क्या करना है, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बीकर हाफ फील्ड वाटर। अब जो हमने स्प्रिट में लीफ फील करी डूबी हुई थी उसको हमने किस में डालनी है, बीकर में, जो हाफ फील्ड वाटर से भरा हुआ है। ये देखो, हमने बोला था ना इसको जलाने, मतलब इसको बर्न करने से पहले इसको स्प्रिट में डालते हैं, ठीक है। स्प्रिट में डालने के बाद हमने ये वाटर इसमें हाफ फील्ड भरा और इसमें ये लीफ है और ये हमने इसके अंदर रख दिया है, क्लियर। अब इसके बाद देखें, हीट द बैक बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट इन टू स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। कब तक हीट करना है, जब तक कि सारा ग्रीन कलर इस स्प्रिट में नहीं आ जाए, आपको लीव्स जो है वो ग्रीन दिखाई नहीं देने लगे तब तक हीट करते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब लीफ को बाहर निकाल के उसे पानी से अच्छे से धोना है। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और उसे वॉच ग्लास में रख के उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ये देखो, निकाल के उस पर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। अब देखिए, कंपेयर यूअर ऑब्जर्वेशन विद डोज डन इन चैप्टर टू व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हमने वहाँ स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आयोडीन टेस्ट किया था चैप्टर टू में, याद हो तो, है ना, जिन जिन सब्सटेंस में, पोटैटो में चेक किया था हमने, राइस पे चेक किया था, तो जिन जिन सब्सटेंस में स्टार्च होता है वो कौन सा टेस्ट देते हैं, आयोडीन टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस बता रहा है। Does this mean that the leaf has a starch in it? इसका मतलब क्या हुआ, leaf में starch है। In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also show the presence of starch। हमने देखा था ना, जो raw potato होता है उसमें भी क्या था, starch था, ठीक है। potato gets this starch from their leaves and store it। potato में starch कहाँ से आता है, उसकी पत्तियों से आता है और वो उसे स्टोर कर लेता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। लीव्स क्या करती हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, और ग्रीन कलर जो इनमें प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। इस ग्रीन कलर की प्रेजेंस में, सनलाइट और ये ग्रीन कलर की प्रेजेंस में जो लीव्स होती हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं। और ये जो प्रोसेस है, फॉर दिस दे आल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए वो और किस किस का यूज़ करती हैं, वाटर का भी यूज़ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है, फोटोसिंथेसिस।
फोटो क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही हो, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो एंड यूज द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन गैस इस प्रोसेस में बाहर निकलती है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो फूड प्रिपेयर होता है इस प्रोसेस में वो अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें स्टोर रहता है. कई बार आपने देखा होगा कुछ जो प्लांट रहती हैं उनके रूट्स स्वेलन होते हैं, जैसे कि हम जो है स्वीट पोटैटो लेते हैं वो रूट है वो भी तो वहाँ स्टोर होता है. जैसे हमने देखा पोटैटो में किस में स्टेम है वो वहाँ स्टोर हो जाता है, किसी में लीव्स में रहता है ना, तो डिफरेंट पार्ट में जाके ये जो है ये स्टोर हो जाता है. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाई लीव विथ वाटर, द लीव यूजेज द वाटर टू मेक फूड. हमने देखा था स्टेम सप्लाई कर रहे थे वाटर को, और इस वाटर का यूज़ वो लोग जो प्लांट है वो फूड बनाने में करते हैं. द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, और लीव्स जो वाटर लॉस करती है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करती है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू. हाउ डू स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? दैट इज़ वेयर रूट्स कम इन. अब स्टेम और लीव्स में वाटर कहाँ आया? तो अब अगला फंक्शन किसका आएगा? रूट का आएगा. बट हम रूट के बारे में किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में. तो आपको इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, है ना. एक बार बुक जरूर रीड करिएगा, और कुछ अगर टर्म समझ में नहीं आई हो, जैसे फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, काफ़ी सारी नई नई टर्म्स आई हैं, ट्रांसपीरेशन, तो अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.